गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का पर्यावरण चैप्टर 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। चैप्टर जो है आपका दो पार्ट में है, एक पार्ट में पढ़ेंगे फसल के बारे में, दूसरे पार्ट में खान पान के बारे में। फसल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं फसल को? क्रॉप्स। फसल का मतलब होता है जब एक ही तरह के पौधे को लगाते हैं लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे लगाएंगे। रुकिए, फसल का मतलब होता है जब हम लोग पौधे को कहाँ लगाते हैं, बड़े स्केल पे। देखिए बाहर फील्ड के, बाहर फील्ड में क्या लगा हुआ है? फसल। कौन सा फसल है? धान का। इसको पौधा क्यों नहीं बोल रहे हैं? पौधा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि क्या बहुत सारे हैं। ईरा और ईशु बड़े दिन की छुट्टी में अपने कहाँ जा रहे हैं? गांव। वे अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हैं? पटना। पटना क्या बिहार की राजधानी। उन्होंने अभी तक अपना गांव देखा नहीं है। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न मतलब क्या होता है? अनाज, फल, सब्जियां आदि ले आते हैं। ईरा और ईशु के दादा दादी जब पटना से आते ना हैं तो वहाँ पटना आते हैं, जब भी गांव से पटना आते हैं, कहाँ आते हैं? गांव से कहाँ जाते हैं? पटना। तो गांव में होता है फल सब्जी आदि लेके जाते हैं, गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार, आधार मतलब बेस, कि जो शहर में लोग रहते हैं, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तो उनको जितना भी खाने पीने का चीज़ होता है सब कहाँ से जाता है? गाँव से। ईरा और ईशु हमेशा दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर गांव और शहरी जीवन में कैसे आधार हो सकता है। अच्छा, कौन कौन सा चीज़ है यहाँ पढ़ना है जो गांव से शहर आता है? गांव से शहर मतलब गांव से शहर क्या आएगा? अनाज, सब्जी, सेम सब्जी वगैरह अनाज हो गया। और शहर से गांव क्या जाता है? कौन कौन सा चीज़ है जो शहर से जाता है गाँव में? खिलौना, खिलौना होता है, और क्या? गाड़ी, कपड़ा। ठीक है, दादाजी के साथ पगडंडियों, पगडंडी बोलते हैं जो खेत पे होता आ रही, पगडंडियों पर चलते हुए ईरा और ईशु को खेतों में लहराते हुए क्या दिखे? पौधे लहलहाते होगा जब वो लोग पगडंडी पे चल रहे हैं तो फसल क्या होता है? हिल रहा था। कहीं कहीं कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे, कुछ लोग कटे हुए पौधे के पुलंदे को एक पत्थर पर पटक कर उसकी कलियों को अलग कर रहे थे। जब फसल पक जाता है इसको क्या करते हैं? पत्थर पर पटक के इसके अनाज को क्या करते हैं? अलग करते हैं। ईरा ने अपने दादाजी से पूछा ये क्या हो रहा है? दादाजी ने बताया ये धान के पौधे। कौन से हैं? धान के हैं। इस इलाके की मिट्टी धान की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। धान का खेती करने के लिए जो इलाका था वहाँ पे मिट्टी अच्छी है, और धान वहाँ की मुख्य फसल थी। कहाँ के? ईरा और ईशु के गांव की। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे क्या करते हैं? काट लेते हैं। फिर धान के पौधे से उसके बीजों को अलग कर कर उसकी कुटाई करते हैं। ये जो पौधा सामने है क्या क्या का पौधा है? धान का। किस चीज़ का है? धान का। इंग्लिश में बोलेंगे पैडी। धान का इंग्लिश क्या हो गया? जब ये फसल तैयार हो जाता है तो इस फसल को क्या करते हैं हम लोग? काट के इसके अनाज को क्या करते हैं? अलग करते हैं। ईरा और ईशु दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो भात वे खाते हैं वे इस प्रकार होता है। अब पढ़ेंगे इसी चावल को बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? भात। चावल को बना देंगे क्या बन जाएगा? भात। ईशु ने कहा दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। अब देखिए क्या क्या क्लास 5 के पर्यावरण की किताब में, यह जो किताब है बुक में बोल रहा है कि धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो आज हम लोग क्लास में सीखेंगे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया। धान किस तरह से उपजाते हैं वो हम लोग कहाँ सीखेंगे? आज अपने क्लास में। रुकिए, आज हम लोग क्लास में सीखेंगे धान उपजाने की प्रक्रिया। सारा चीज़ लिखा है यहाँ पास। रोको, जारी का। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, धान उपजाने के लिए हम लोग धान का क्या लेते हैं? बीज। ये हम लोग के सामने क्या है? आइए दिखाइए, ये धान का क्या हो गया? बीज है। आइए सुनीता, इस धान के बीज को पहले पानी से क्या करेंगे? धो देंगे। पानी लाइए बोतल में, खोलिए, डालिए इसमें। देखो सबसे पहले क्या किए हैं, धान के
बीज को पानी में क्या किए हैं, धो दिए हैं, इसको फुला दिए हैं। अब इस बीज को निकाल के हम लोग, इस बीज को निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, जो सूती का होता ना बोरा, जूट वाला, सूती नहीं, किसका बोरा, देखिए इस धान को फुला दिए, अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे। अब निकाल के जूट के बोरा में क्या करेंगे, पैक करके छोड़ देंगे। कितना देर के लिए, 20 से 24 घंटे के लिए, 20 से 24 घंटे के लिए। इसको बोतल लगाइए, धान के बीज को पानी में फुला दिए, इसको निकाल कर क्या करेंगे, जूट के बैग में पैक कर देंगे, ठीक है। कितना देर के लिए, 20 से 24 घंटे बाद जो धान का ये बीज है ये क्या हो जाएगा, अंकुर जाएगा, क्या हो जाएगा, और वो धान का बीज तैयार हो जाएगा, धान का बीज। उसको खेत में क्या करेंगे, हम लोग छींट देंगे। देखिए खेत में से क्या करेंगे, उसको खेत में क्या करेंगे, मिट्टी वाले खेत में छींट देंगे। तो उससे क्या निकलता है, धान का क्या बोलते हैं उसको, देखिए इससे क्या तैयार होगा, धान का, इस ये जो आपका धान का बीज है इससे छोटा छोटा क्या तैयार होता है, पहले मोरी, दो दिन बाद पौधा, तीन दिन बाद या सात दिन बाद पौधा निकल जाएगा। इतना बड़ा होने में इसको कितना दिन लगेगा, 20 दिन, कितना दिन, 20 दिन। लाइए ये धान का क्या हम लोग के पास है, मोरी। तो बीज से मोरी बनने में लगभग कितना टाइम लगेगा, 20 से 21 दिन, 20 से 21, 24 दिन, जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखो धान के बारे में क्या होता है, हम लोग खेत को तैयार करते हैं। सुरखी सुनीता मिट्टी लाइए, यहाँ दिखाइएगा, हम लोग क्या तैयार करने वाले, धान का खेत। ये क्या डाल रहे हैं, पकड़ो, रुकिए, अब हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, धान का खेत। धान के खेत में पानी क्या होता है, धान के खेत में पानी बहुत क्या होना चाहिए, ज्यादा। देखिए इसको समझिएगा, धान का पौधा ऐसा पौधा होता है कि जिसको हम लोग एक ही जगह पर उगा सकते नहीं है। पहले इसको लगाते हैं नर्सरी में, मतलब देखिए खेत के एक छोटे से भाग में पहले हम लोग क्या तैयार किए हैं, मोरी, और इस मोरी को उखाड़ कर यहाँ से फिर बड़े फील्ड में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, या हिंदी में प्रतिरोपण। चौक देखें, अब समझो, यहाँ दिखाओ, पहले समझो, धान की फसल जो है कैसा फसल है, खरीफ, जो फसल लगाते हैं हम लोग जून जुलाई के टाइम में और काटेंगे सितंबर अक्टूबर में, वो कौन सा फसल होता है, खरीफ, ठीक है ना। और गेहूँ क्या होता है, रबी। गेहूँ का फसल कैसा है, धान कौन सा फसल है, खरीफ। धर्म देखिए, धान के लिए जो जलवायु चाहिए, गर्म और नम, मतलब धान के पौधा को धूप भी चाहिए और बारिश भी चाहिए। और सीखो तापमान जो होता है धान के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। धान के पौधे, ये जो पौधे धान के मोरी है, ये पौधा अच्छा से बन के तैयार हो जाए, इस पौधे को तैयार होने के लिए सही तापमान कितना, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, दोमट और चिकनी। के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, दोमट और चिकनी। अब समझिए, ये हम लोग के पास पहले क्या था, धान का बीज, ये बीज है हमें, पहले क्या था, धान का बीज। बीज से क्या तैयार किए हैं, मोरी, इसको बोलते हैं बेबी प्लांट, क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट। और इस छोटे से प्लांट का जब साइज हो जाता है 12 से 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम लगाते हैं कहाँ पे, खेत में। लगभग 100 से 110 दिन के बाद आपका पौधा बनके क्या हो जाएगा, तैयार। और जब तैयार पौधे को काटेंगे तब बोलते हैं उसको हम लोग कटाई, या इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग। कुछ आया समझ में, कुछ बातें, धान का जो फसल है रबी है कि खरीफ है, धान का फसल कैसा है, खरीफ फसल है। जलवायु क्या चाहिए, गर्म और नम। तापमान क्या, 20 से 35। मिट्टी कौन सा चाहिए, दोमट। कौन सा मिट्टी, देखिए दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट है धान की खेती करने के लिए। सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सा है, धान की खेती करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा मिट्टी है, धान की खेती के लिए बेस्ट मिट्टी कौन है, दोमट। कौन सा है, लेकिन किसमें हो जाता है, और चिकनी। हम लोग के यहाँ आप देखते होंगे अपने गाँव में भी,
कि धान की रोपाई कौन करता है, लड़के की लड़की है, फीमेल्स करती हैं। और उस समय धान रोपने का क्या गाया जाता है, धान रोपने समय गीत गाया जाता है। तो हम बुलाएंगे यहाँ पर तीन चार लोग को धान रोपने के लिए। आइए चांदनी, सुनीता, रिया, आइए। और कौन रोपता है आप में, गांव में कौन कौन धान रोपा पहले? हम सर, हम नहीं रोपे। तो चलिए आप आइए, सुनीता आइए, आओ प्रतिज्ञा, रिया और आने दो उसको, थोड़ा शांत रहिए। चलिए इसमें से निकाल के इसमें रोपिए। और धान रोपने से मैं गीत बजता है, इधर आ, इधर से, इधर से सामने से तार देख के रोपिए। रोपो, रोपिए, अरे रोपो, रोको। कैसे लगाते हैं इसमें दो दो करके, लगाइए। कैसे लगाते हैं पौधा, हो जाएगा, यहाँ लगाओ, इसमें से हो जाएगा। इसमें भी लगाओ, इस खेत में। सुनीता वहाँ देखो, उधर उधर देखो, कौन आएगा? ये लड़कियाँ जो है क्या रोप रही हैं, धान। ये जो धान का फसल है कितना दिन के बाद बन के तैयार हो जाएगा, नहीं पूरा फसल 110 दिन, 110 दिन बाद फसल में क्या लग जाएगा, अनाज, अनाज लग जाएगा। काटने के लिए बोलेंगे हार्वेस्टिंग। कुछ आया समझ में, रुका ना, चालू है। तो आज हम लोग अपने स्कूल में, स्कूल के हम लोग का मध्य विद्यालय बेला वारिस गोह में कौन से पौधे को हम लोग लगाना सीखें, खेती करना, किसका, धान का। धान के खेत में आइए, कैमरा मैन यहाँ आइए। धान के खेत में हमेशा पानी क्या होना चाहिए, जमा होना चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो धान का पौधा क्या होगा, अच्छे से ग्रो। देखिए अब कुछ सवाल है, धान के खेतों की जुताई कब करते हैं, तो खेतों की जुताई करते हैं बारिश के पहले, मतलब मई जून के मंथ में खेतों की जुताई कर लेंगे। मई जून के मंथ में खेतों की क्या कर लेंगे, जुताई। किस मौसम में धान का बिचड़ा लगाते हैं, तो कौन से मौसम अभी लग रहा है, जून के मौसम में और जुलाई के मौसम में। कितने दिनों में बिचड़ा जो है मोरी बन जाता है, कितना दिन में, दो दिन में, कितना दिन में, दो दिन में। उसके बाद है मोरी का क्या उपयोग करते हैं, जो मोरी है इसको यहाँ से निकाल कर, ये मोरी को पूरा बनने में लगेगा कम से कम 20 दिन। इस मोरी को इस फील्ड से देखिए, ये छोटा फील्ड का नाम क्या है, छोटा फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पास नर्सरी, क्या नाम है, और नर्सरी से क्या धान का पौधा यहीं पास बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। धान को यहाँ से उखाड़ कर दूसरे जगह पर क्या करना होगा, तो इस मेथड को बोलते हैं प्रतिरोपण, क्या बोलते हैं, या बोलेंगे ट्रांसप्लांटेशन। जिस जगह पे लगाए हैं उसी जगह पे ये पौधा ग्रो नहीं करेगा, मोरी को कबाड़ कर कहीं और क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो धान में क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसप्लांटेशन। धान में क्या करते हैं, आगे धान की फसल कब तक पक कर तैयार होती है, धान की फसल कब तक पक कर तैयार होगी, तो कब तक, लगभग अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद है कितना समय लगता है, 100 से 110 दिन। दादाजी ने कहा, अभी जो हम पढ़ाए थे, सबसे पहले धान का क्या लगाते हैं, बिचड़ा, क्या लगाते हैं, 20 से 30 दिनों के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में। इसका नाम क्या है, बोलिए क्या नाम इसका है, मोरी। तो मोरी बनने में किताब के हिसाब से लगता है 20 से 30 दिन, कभी कभी 20 दिन में अलग अलग टाइप पे। इसका नाम क्या है, मोरी। तो धान का मोरी बनने में कितना टाइम लगेगा, बोलिए 20 से 30 दिन। मोरी को उखाड़ कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। अभी ये कहाँ लगा हुआ है, नर्सरी में, कहाँ पे है, मतलब छोटे से फील्ड में, कम इलाके में, देखो जगह जगह पे ना, ढेर सारे एक जगह पे। फिर इसको निकाल निकाल के दूर दूर रोपेंगे, क्या करेंगे, खेतों में मोरी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। मोरी लगाने के बाद खेत में क्या होना चाहिए, पानी। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे। ईरा बोली, दादाजी क्या जब भी चाहे कोई भी फसल उपजाई जा सकती है, मतलब जब मन किया, नहीं, हर एक फसल के लिए क्या होता है, अलग अलग मौसम होता है।
जो फसल लगाते हैं जाड़ा के दिन में उसको बोलते हैं कौन सा फसल? रबी। क्या बोलेंगे? गेहूं, सरसों, चना सब क्या है? रबी। लेकिन जो लगाते हैं कब? बरसात में, उसको बोलते हैं हम लोग खरीफ। तो अपना जो हम लोग का धान का पौधा है वो किस में आएगा? खरीफ में। कोई दिक्कत? धान के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा? दोमट या चिकनी। आगे यहाँ पे हम लोग का चैप्टर क्या हुआ? लगभग खत्म। एक पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग खान पान के बारे में, जहाँ पढ़ना आपको लिट्टी चोखा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आओ बनाएं लिट्टी और चोखा। रोकिए वीडियो। आप लोग को धान रोप के कैसा लगा? अच्छा। हैं? क्या आप लोग पहले भी गांव में धान को रोपाई किए हैं? ठीक है, आप लोग को समझ में आया कुछ कि नहीं आया?